हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेडिशनल जायका में। आज हम कढ़ी पकौड़ा बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी झंझट के बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके लिए मैंने 1 कप चने का बेसन लिया है। बेसन में हम कुछ मसाले मिला लेंगे। आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डाल लेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पकौड़े का बैटर तैयार करेंगे। बेसन को हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए बिल्कुल हल्का हो गया है, ये फेंटने में फ्लफी भी हो गया है। इसे चेक कर लेते हैं। इस तरह से 1 कटोरे में पानी लेंगे और थोड़ा सा बैटर इस तरह से डालकर देखेंगे। ये देखिए पकौड़ा हमारा बिल्कुल पानी में ऊपर आ गया है, मतलब बैटर हमारा तैयार हो गया है। कढ़ी बनाने के लिए मैंने 1/2 कप चने का बेसन लिया है, 1 कप दही, 1/2 कप दही और ले लिया है। डाल लेते हैं इसे। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर सबसे पहले इसे घोल लेंगे ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। नीचे से एक बार मिला लें इस तरह से ताकि तले में जो भी बेसन जमा हुआ हो वो मिल जाए। गैस को ऑन करके इसे चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं। कढ़ी जब भी बनाए इस तरह से चौड़े मुंह वाले बर्तन में या बड़े पतीले में ही बनाए, इससे कढ़ी को पकने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। ये हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे 1 उबाल आने देंगे। जब तक उबाल ना आ जाए तब तक इसे नीचे से यूं ही चलाते रहना, वरना यह तले से चिपक जाएगा। कढ़ी हमारा अच्छे से उबल गया है, फ्लेम को लो कर देते हैं। इसमें मैंने सरसों का तेल डालकर गर्म कर लिया है। पकौड़ों को तलने से पहले इसमें 2 चुटकी खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग पाउडर डाल लेंगे और एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसे। तेल हमारा गर्म हो गया है, फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। हाई फ्लेम पर पकौड़ों को ना तलने वरना एकदम से ये लाल हो जाएंगे। इस तरह से मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को हम तल लेंगे। ये देखिए पकौड़े हमारे कितने हल्के बनकर तैयार हुए हैं, अपने आप से ऊपर आते जा रहे हैं जैसे जैसे पकते जा रहे हैं। पलट लेते हैं इन्हें। पकौड़े हमारे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। बाकी पकौड़ों को भी तलकर तैयार कर लेते हैं। पकौड़ों का साइज आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा या छोटा रख सकते हैं। अब इन गर्म पकौड़ियों को इस तरह से कढ़ी में डाल लेते हैं। लो फ्लेम पर इसे 12 से 14 मिनट पकने देते हैं। देखिए 12 से 14 मिनट पकाने के बाद कढ़ी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। पकौड़ियाँ भी साइज में बिल्कुल डबल हो गई हैं। देखिए एक पकौड़ी को तोड़कर दिखाती हूँ, ये कितनी सॉफ्ट बनी है ये। फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और कढ़ी का मेन प्रोसेस करते हैं, इसे तड़का लगाने का। इसमें सारा फ्लेवर तड़का से ही आता है कढ़ी में। तड़का लगाने के पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया। फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। एक तड़का पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म करेंगे। तेल को गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 छोटे चम्मच जीरा। जीरा तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद ही डालें। 1/2 छोटे चम्मच, आधा से भी कम मतलब 1/4 चम्मच राई,
राई और जीरा को तड़कने के बाद इसमें डाल देंगे चौथाई चम्मच हींग। हींग जरूर डालें इसमें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और जो बेसन का गैस करने की प्रवृत्ति होती है वो भी गैस नहीं करेगी। दो तेज पत्ते और 3 से 4 लाल मिर्च। तड़का को डालने से पहले गर्म तेल में चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लें और इन्हें इस तरह से ढक देंगे। ढकने के बाद इसे आधा मिनट छोड़ दें, उसके बाद मिलाएंगे तड़के को हम, ताकि तब तक सारा फ्लेवर तड़के का हमारे कढ़ी में मिल जाए अच्छी तरीके से।